वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कॉलेज का भी छुट्टी चल रहा है तो मैं जाना नहीं है, तो सोचा क्या करूँ। सो आई एम थिंकिंग ऑफ कि चलो कुछ बनाया जाए। तो बहुत दिनों से आप लोगों के साथ फूड ब्लॉग कुछ शेयर नहीं करा मैंने, सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक अमेजिंग सा फूड ब्लॉग जो कि बहुत खास होने वाला है। वैसे ये रेसिपी ना मतलब ये कॉम्बिनेशन सबका फेवरेट है, मतलब ऑलमोस्ट हर नॉन वेजिटेरियन का ये कॉम्बो फेवरेट है और मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो बहुत सालों बाद मैं ये बना रही हूँ, तो लेट्स सी। मैं भूली हूँ कि मुझे सब चीज़ याद है, होपफुली मुझे याद होगा। तो आज हम लोग बनाएंगे चिली चिकन विथ फ्राइड राइस गाइस, है ना अमेजिंग सा। इतने दिनों बाद ब्लॉग ला रही हो तो कुछ अच्छा लाना चाहिए ना। तो चलो गाइस इतनी गर्मी में बनाते हैं, देखते हैं। सोच तो लिया मैंने कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि गर्मी तो भाई आतंक लगने वाला है। क्योंकि मैं 5 मिनट थोड़ा किचन में चाय बनाने के लिए खड़ी होती हूँ, पूरा पसीना हो जाता है। अभी तो भाई कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाना है इसको बनाने में। सो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, नाम से लगता है बहुत डिफिकल्ट है बट आसान है। चलो गाइस चलते हैं, ज़्यादा बकर बकर नहीं करते, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग फ्राइड राइस बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने वेजीज पहले ही कट कर रखा है। ये शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और ये कुछ हरे मिर्च, और मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ करा है क्योंकि इस सीज़न में गर्मी में मटर कहाँ से मिलेगा। तो फ्रोज़न मटर मैंने पहले से निकाल लिया ताकि ये थोड़ा बर्फ़ इसका पिघल जाए। चलो बनाते हैं अब हम फ्राइड राइस। सो गाइस अब हम लोग इसमें डालेंगे सबसे पहले अमूल काऊ घी। कुकर मैंने पहले ही गर्म करने के लिए बैठा दिया है। अब हम लोग इसमें 4 टेबलस्पून ऑफ काऊ घी डालेंगे, क्योंकि घी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ज़्यादा करके ही डालना चाहिए तभी टेस्ट आता है फ्राइड राइस में। उसके बाद अब हम लोग घी गर्म हो गया तो अब हम लोग डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा। अब इसको गर्म होने देते हैं। उसके बाद अब हम लोग डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को हम लोग अच्छे से पहले गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे कर लेंगे, उसके बाद बाकी का वेजीज डालेंगे। पहले इसको सॉटे कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस हमारा प्याज हो गया है सॉटे, अच्छा सा ब्राउन हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया। अब हम लोग सारा वेजीज जो भी कट करा था वो डाल देंगे, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च। अभी मटर को स्किप करेंगे क्योंकि मटर को थोड़ा एंड में डालेंगे, जल्दी डालने से वो थोड़ा हलवा बन जाता है, ज़्यादा फ्राई नहीं करा जाता उसको। तो पहले हम लोग ये सारा सॉटे कर लेंगे। मैंने 5 मिनट सॉटे कर लिया, अब हम इसमें मटर डाल देंगे। फाइनली मटर को ज़्यादा हम लोगों को फ्राई करना नहीं है, तो तुरंत ही 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाला, आप अपने हिसाब से डाल देना। इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैंने ना पहले ही 1 ग्लास चावल धो के रखा है। आप चावल को अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हो, क्योंकि आपके घर पर जैसे मेंबर है वैसे कम ज़्यादा कर सकते हो। मेरे घर पर 4 लोग हैं इसलिए 1 ग्लास में हो जाता है। तो अब हम लोग ना चावल को डाल देंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा वेजीज को फ्राई करना नहीं हो गया है। अब चावल डाल देंगे और 10 मिनट तक चावल को हम लोगों को सॉटे करना है, चलाते चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर छोड़ देंगे ना तो चावल नीचे से चिपक जाता है। इसलिए चला चला के इसको अच्छे से 10 मिनट तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। और चावल फ्राई हो जाने के बाद ना एक खुशबू आता है बहुत अच्छा चावल फ्राई वाला। जैसे ही वो खुशबू आने लगे ना, उसके बाद हम लोग मैंने 1 ग्लास चावल यूज़ करा ना, तो मैं उसका डबल पानी यूज़ करूँगी, मीन्स 2 ग्लास। तो आप जैसे चावल यूज़ करोगे उसका डबल पानी यूज़ कर लेना। तो मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिला देती हूँ इधर साइड वाइड में जो भी लगा हुआ है। उसके बाद कुकर बंद करके इसको हम लोग 2 सीटी लगाएंगे गाइस, उससे ज़्यादा नहीं। 2 सीटी से ज़्यादा लगेगा तो फिर वो गीला हो जाता है, इसलिए 2 सीटी गिन के लगाएंगे। जब तक हमारा फ्राइड राइस सीटी मार रहा है तब तक हम लोग चिकन मैरिनेशन कर लेते हैं। ये मम्मी ने पहले ही फ्रिजर में इसको ना हल्दी लगा के रख दिया था, इसलिए ये येलो दिख रहा है। अब हम लोग इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून आदि लहसुन का पेस्ट, फिर 1 टेबलस्पून गोलकी पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला। चिकन मसाला डालने से टेस्ट और ज़्यादा बढ़ता है चिली चिकन का, तो इसलिए यूज़ ज़रूर करना। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालना, मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ करा है, आप अपने हिसाब से देख लेना, स्वाद अनुसार ही डालना, ज़्यादा मत कर देना क्योंकि ग्रेवी में भी नमक जाता है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। स्पून से मिक्स होगा नहीं गाइज, मैं आपसे इसको मिक्स करके मिलती हूँ, रुको ज़रा। हाँ जी गाइज मिक्स हो गया। अब हम लोग डालेंगे अंडा। हाँ जी अंडा डालने से क्रिस्पी होता है और ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो यस अंडा डलाता है। अब हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डालूंगी इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, जिसको हम लोग अरारोट बोलते हैं, और 1 बड़ा चम्मच मैदा। ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को लेयर पतला रखना है, क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। बाहर जैसे बाहर में लेयर उसका मोटा होता है, हम लोग को पतला रखना है बेसिक सा।
तो अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग रख देंगे 10-15 मिनट के लिए साइड में, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद तब तक हम लोग कर लेते हैं कुछ वेजीज कट, जो हम लोग को चिल्ली का ग्रेवी बनाने में लगेगा। चलो गाइस, नाउ चिल्ली का ग्रेवी बनाने के लिए हम लोग को ये कुछ वेजीज चाहिए, जिसमें है प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, अदरक लहसुन तो ज़रूरी है, और कुछ हरी मिर्च। चलो अब इसको कर लेते हैं हम लोग चॉप। गाइस अगर इस गर्मी में आपको मस्त डिश बनाने के लिए तो आप लोगों को तो दुगना प्यार देना चाहिए यार। क्या कर रहे हो गाइस यार, कुछ कर लो। इतना गर्मी देख रहे हो, पसीना पसीना हो गया मैं, फिर भी आप लोगों के लिए मैं चिकन चिली एंड फ्राइड राइस बना रही हूँ। कुछ तो बनता है ना, कैंट बहुत ज़्यादा हो गया। काम तो ये लहसुन जो कि मुझे करना पड़ेगा। तो ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, अगर लहसुन नहीं हुआ ना तो चिली वेस्ट हो जाता है, टेस्ट ही नहीं आता। इसलिए जितना ज़्यादा लहसुन उतना ज़्यादा टेस्ट है। चलो कर लेते हैं। फाइनली मिशन कम्प्लीटेड। ये मैंने प्याज को क्यूब में कट किया, ये शिमला मिर्च, ये अदरक लहसुन को चॉप कर लिया, ये गाजर और ये मिर्च को मैं बाद में चॉप करूँगी। अभी चलती हूँ, पहले आगे का प्रोसेस करती हूँ। ये हमारा चिकन जो मैरिनेट करने लगा था, अब मैंने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसको पहले गर्म होने देते हैं। और हाँ, हमारा फ्राइड राइस भी बन गया गाइस, देखो चेक करो। रुको कुकर खोल के दिखा दूँ, देखो कितने खिले खिले बने हैं। तो हमारा फ्राइड राइस हो गया रेडी। अब चिल्ली 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 चिकन बनाते हैं, उसके बाद चिल्ली चिल्ली से बड़ा सा फुलफिलिंग सा लंच करते हैं। चलो अब हम लोग, मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे एक एक करके चिल्ली चिकन को। सो गाइज, ये मैंने डाल दिया। अब इसको हम लोग अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होते होते ही चिकन हमारा पक जाता है, तो इसको अच्छे से हम लोग दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। एकदम डीप फ्राई करना है, डीप क्रिस्पी हो जाए अच्छे से। चलो फ्राई करके मिलती हूँ। गाइज, इतना गर्मी में खाना बनाना इज अ ह्यूज टास्क, ऑलमोस्ट हो गया, लास्ट है बस। चलो जल्दी कर लेते हैं, फिर जाती हूँ मैं एसी में बैठा। क्यों लग रहा है कि मैंने गलत टास्क चूज़ कर लिया, ऐसा लग रहा मुझे इतना गर्मी। खैर, कर लिया तो कर लिया मैं, आप लोगों के लिए कुछ भी। देख सकते हो दोनों तरफ से हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है, वरना जल जाएगा, उसके बाद टेस्ट भी बेकार हो जाना है। चलो निकाल के दिखाती हूँ क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। देखो गाइस, सुनो,
देख लो आवाज़ हो रहा है कितना हार्ड है बाहर का सरफेस, तो ये हो गया हमारा क्रिस्पी और अंदर से पक भी गया है, थोड़ा गर्म है, देखो अंदर से पक भी गया हमारा अच्छे से। अब इसको सारा जो भी बचा हुआ है उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे का फाइनल प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी गाइज, मैंने कर लिया सारा चिकन को फ्राई। अब मैंने बैठा दिया एक कढ़ाई, उसमें मैं डालूंगी यही जिस ऑयल से मैंने फ्राई करा था चिकन उसको, क्योंकि उसको वेस्ट क्यों करना, और चिकन फ्राई करा है तो दूसरे में तो यूज़ कर नहीं सकते, तो चिकन में ही यूज़ करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग चिल्ली में ही यूज़ कर लेते। जैसे ही तेल गर्म होगा उसके बाद हम लोग डाल देंगे चॉप करा हुआ अदरक और चॉप करा हुआ गार्लिक। अदरक गार्लिक इज़ अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ चिकन चिली गाइज, ये अच्छा खासा होना चाहिए तभी चाइनीज़ में फ्लेवर्स डालता है यू नो। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी आगे का सारा डालेंगे। सो गाइज, अब हम लोग बाकी का जो भी हमने वेजीज कट करा था, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, हरी मिर्च, वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमें ज़्यादा जैसे कि चिल्ली में ना शिमला मिर्च, गाजर और प्याज ज़्यादा पकता नहीं है, मतलब थोड़ा कच्चा कच्चा वाइब आता है तभी वो मज़ा आता है ना, कोई भी चिली हो। चाइनीज़ में पकना नहीं चाहिए ज़्यादा वेजीज, तो इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं हम लोग। अब इसमें हम लोग सॉसेज ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, सॉसेज में सबसे पहले डालेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर। आप सारे सॉसेज को एक साथ मिक्स करके डाल सकते हो, बट मैंने एक एक करके डाला है। अब इसको थोड़ा देर हम लोग मिक्स कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉस भी डाला है हमने उसमें भी नमक होता है। अब हम लोग इसमें डालेंगे किसान का फ्रेश टोमेटो केचप, केचप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसी का तो ग्रेवी बनता है गाइस। तो मैं तो 4 टेबलस्पून जैसा डाली हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा देर 2-3 मिनट ऐसे मिक्स कर लेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा ग्रेवी को थिक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लावर, जिसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लिया है। इसको डालने से ना ग्रेवी अभी थिक हो जाएगा, देखना, और इसको डालना कंपलसरी है। तो अब हम लोग इसको डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से ग्रेवी को, अगर थोड़ा सा पतला करना है तो पानी डाल देना, और थोड़ा ड्राई रखना है तो इसको और सुखा सकते हो। तो ये देखो हो गया हमारा ये ग्रेवी थोड़ा ड्राई, और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला क्योंकि हमें फ्राइड राइस से खाना है तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला होना चाहिए। अब इसको थोड़ा देर, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद अब हम लोग डाल देंगे इसमें चिली, जो हम लोग चिकन को फ्राई करा था वो चिली चिकन को डाल देंगे इसमें। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चिकन को हमने डीप फ्राई करा था और वो क्रिस्पी था। ज़्यादा देर तक इसको चिली चिकन ग्रेवी में डाल के छोड़ेंगे तो वो क्रिस्पीनेस चल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने चिली चिकन को मिक्स करा चिली पूरा ग्रेवी में, अब तुरंत आप इसको निकाल के सर्व करो। तो हम लोग सबसे पहले, अभी ये हो गया है मिक्स, अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी धनिया जो मैंने चॉप करके रखा था। अब ये हो गया हमारा चिली डन। अब इसको हम लोग निकाल के सर्व कर लेंगे जल्दी से, ताकि ये सॉफ्ट ना हो जाए। चलो गाइस, बहुत मेहनत लगा बनाने में, तो ऑफकोर्स मेरे को तो टेस्टी लगेगा ही, बस मेरे को नहीं, मम्मी पापा भाई सबको अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा। मेरे को लगा पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मम्मी पापा को ये मतलब अच्छा नहीं लगता था। कुछ हम लोग के लिए न्यू जनरेशन के लिए फेवरेट है ये कॉम्बिनेशन, मम्मी पापा और लाइक चिकन चिली के साथ फ्राइड राइस खा खा देवर लाइक चिकन चिली के साथ तो बहुत रखा मैंने खा के, तो देखो ट्राई करो अच्छा लगेगा। खैर, बहुत मेहनत लगा गाइस, यही मेहनत को देखते हुए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना आप लोग भी ट्राई करके कि कैसा बना। बहुत ईजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है इस वजह से थोड़ा मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी काम है कुछ। खैर अच्छा था, मस्त था। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, पता नहीं अगला ब्लॉग क्या होगा, कब होगा, किस लिए होगा, आई डोंट नो कुछ। तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोग भी ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करना।